दोस्तों, अगर आपके पास में कोई पुराना मॉनिटर है जो आज आपके यूज़ में नहीं आ रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास में अगर इस तरीके का या फिर बड़ी साइज़ वाला जो मॉनिटर है वो अगर अब आपके यूज़ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको अपनी एक टीवी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। मात्र आपको एक एडाप्टर की जो है ज़रूरत पड़ेगी, ये जो एडाप्टर है इसकी, और इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ किस किस तरीके से आपको जो है कनेक्शन करना है और आपका पुराना मॉनिटर जो है एक टीवी में कन्वर्ट हो जाएगा। मात्र आप 400 रुपये में जो है अपने पुराने मॉनिटर को एक टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने हॉल रूम में जो है लगाकर एंजॉय कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि नागर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जॉब नगर। सो दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जो है आपकी क्वेरी है, जो किस तरीके से आप जो है अपने मॉनिटर को टीवी में कन्वर्ट करोगे विद लाइव प्रूफ, जो है मैं आज की वीडियो में जो है बताने वाला हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है बिना स्किप किए देखते रहे। सो दोस्तों, आपको जो है इस एडाप्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसका लिंक जो है मैं आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर जो है इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये अप्रोक्स जो है आपको 350-400 की रेंज में मिल जाएगा एंड डिलीवरी चार्जेस जो है अलग रहेगा, तो आप जो है चेकआउट कर सकते हैं लिंक पर जाकर। सो सबसे पहले इसको जो है अनबॉक्स करते हैं और आपको जो है इस एडाप्टर के साथ में एक केबल मिलती है, जिससे जो है इस एडाप्टर को आपको पावर देना रहेगा। सो ये केबल मिलती है और ये एडाप्टर है। एडाप्टर की अगर बात करें तो ये मिनी AV2 VGA जो है ये एडाप्टर है। यहाँ से इनपुट और आउटपुट जो है यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ इधर की साइड जो है आपको AV पोर्ट देखने को मिलता है, इधर की साइड आपको जो है यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा, साथ में जो है पावर स्लॉट मिल जाएगा। यहाँ से जो है इस केबल के थ्रू जो है आपको इस एडाप्टर को पावर देना रहेगा। दूसरी साइड बात करें तो यहाँ पर जो है एक VGA पोर्ट है, जिसमें आपकी जो है मॉनिटर की केबल अटैच हो जाएगी, साथ में एक ऑडियो के लिए यहाँ पर आपको जो है जैक मिल जाएगा, तो आप अपने जो है स्पीकर वगैरह इसके थ्रू जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इस एडाप्टर में कुछ भी नहीं है। सो ये एडाप्टर की जो है आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। जो है यहाँ पर एक सेटअप बॉक्स यूज़ किया गया है, ये जो सेटअप बॉक्स है इसमें हमने एक ये AV पिन जो है कनेक्ट कर रखी है। अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊँ तो इस तरीके से यहाँ पर आप जूम करके मैं दिखाऊँ आपको, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है ये AV केबल जो है कनेक्ट की हुई है। और इस AV केबल को जो है आपको इस एडाप्टर में कनेक्ट करना रहेगा। आपको कलर देखकर जो है इसको कनेक्ट कर देना है, येलो को येलो में, वाइट को वाइट में और रेड को रेड में। यहां से जो है आपको इनपुट देना है। अब बात करते हैं आउटपुट के लिए, तो यहां पर जो है आपको मॉनिटर की केबल किस तरीके से जो है कनेक्ट करनी है। सो ये एक मेरे पास में पुराना मॉनिटर है, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर VGA पोर्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो है इसकी पावर केबल देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें VGA और पावर केबल को जो है इससे कनेक्ट कर लेना है। इस VGA केबल का जो है मैंने यहाँ पर मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया है और इसको दूसरे पोर्ट को जो है मैं इस एडाप्टर से कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छे से जो है इसको लगाने के बाद में यहाँ से जो है आपको पिक्चर इसी के थ्रू मॉनिटर पर देखने को मिल जाएगी। अब मॉनिटर में जो है ऑडियो का पोर्ट नहीं होता है, काफ़ी मॉनिटरों में होता है, तो आप ऑक्स केबल के थ्रू जो है डायरेक्टली इस पोर्ट से मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेरे वाला जो मॉनिटर है इसमें ऑडियो नहीं सपोर्ट करता है, तो इसके लिए मैंने एक सोनी का बूफर है, ये मैंने इसके साथ में अटैच करूँगा आपको दिखाने के लिए। सो इसको आपको कुछ नहीं करना, इसकी जो ऑक्स केबल है, सो इस बूफर की जो है मैंने ये ऑक्स केबल से अटैच कर लिया और इसको जो है आपको इस एडाप्टर में लगा देना है। सो कनेक्शन ये सिंपल सा है कि आपको AV पोर्ट AV जो केबल है वो आपके सेटअप बॉक्स में से डायरेक्टली इस एडाप्टर में देनी है और यहाँ से जो है ये VGA केबल को आपके डायरेक्टली मॉनिटर से कनेक्ट करना है। ऑडियो के लिए आपके किसी भी बूफर या छोटे स्पीकर को जो है उसके ऑक्स केबल की हेल्प से यहां से अटैच कर देना है। सो ये ऑडियो और वीडियो का दोनों का आपको हो जाएगा। अब बात करते हैं पावर की, तो सेटअप बॉक्स को ऑलरेडी मैंने जो है पावर दिया हुआ है।
अब मुझे जो है बूफर और मॉनिटर को जो है पावर देना रहेगा। साथ में इस एडाप्टर को पावर देने के लिए इसके साथ में जो केबल मिली थी उसको हमें एक मोबाइल का जो एडाप्टर होता है, मोबाइल चार्जर का एडाप्टर, उसके साथ में कनेक्ट करके इस एडाप्टर को जो है आपको पावर देना रहेगा। सो एडाप्टर के पावर के लिए ये एक मोबाइल चार्जर का एडाप्टर है, इसको जो है आपको इस केबल को अटैच करना है और इसका इसको इस तरीके से आपको पावर दे देना है। सो ये आपका जो है कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। अब इनको पावर देते हैं। ये जो केबल है ये मॉनिटर की पावर केबल है, जैसे ही कनेक्ट किया तो आपको जो है यहाँ पर दिखा होगा मॉनिटर में लाइट आ चुकी है। यहाँ पर मैं बूफर के वायर भी जो है आपको कनेक्ट कर देता हूँ। सो ये मैंने बूफर के वायर कनेक्ट कर दिया है। और अब बारी आती है आपके एडाप्टर की, जिसको मैंने एक मोबाइल चार्जर के एडाप्टर के साथ में कनेक्ट कर रखा है। सो ये आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑन ऑफ का जो है आपको यहाँ पर स्विच मिल जाता है। सो अगर आपके डिस्प्ले नहीं आ रही है तो आप जो है इसको राइट साइड में इस तरीके से ऑन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली जो है आपका सेटअप बॉक्स से आपका मॉनिटर कनेक्ट हो गया है। लेकिन अभी जो है आपको यहाँ पर साउंड नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए मैं जो है बूफर को यहाँ से ऑन करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमाल है ना, ये आपका जो है मॉनिटर का वीडियो और यहाँ से आपको जो है ऑडियो देखने को मिल जाएगा। सो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है आप ये सारे कनेक्शन करने के बाद में आप अपने मॉनिटर को एज ए टीवी किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। मैं इसका अडेप्टर का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं जो है आप इस तरीके से ये जो है इस सेटअप बॉक्स का रिमोट है तो आप जाकर यहाँ से चैनल चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर ऑपरेट दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप चैनल चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है आपको एज इट इज़ सेम चैनल जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका एज इट इज़ बिल्कुल जो है सेम टीवी जैसा प्रोसेस रहेगा। बस इसमें यह है कि आपको ऑडियो और वीडियो के लिए अलग अलग चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऑडियो के लिए जो है आपको अलग से जो है कुछ बूफर वगैरह या फिर स्पीकर अटैच करने रहेंगे। तो इस तरीके से आप कंप्लीट जो है प्रोसेस फॉलो करके अपने एक पुराने मॉनिटर को टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं मात्र आप 400 रुपये लगाकर, केवल इस एडाप्टर के सहायता से। तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर जो है इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सो दोस्तों देखा आपने कि मात्र आप 400 रुपये लगाकर जो है इस तरीके के मॉनिटर को आप अपने टीवी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने पुराने बेकार पड़े मॉनिटर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए जो है मार्केट की काफ़ी वीडियो जो है लेकर आता रहता हूँ जिसमें आपको जो है बेस्ट मार्केट बताता हूँ जिससे आपको डिस्काउंट का जो है बेनिफिट मिल सके, और ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं मेरे चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर मार्केट की और कोई वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी जो है यहाँ पर आपको दिख रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।